सुनते रहिए यूबीएन जीरो एट गुना से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट आ रही है। पूर्व विधायक भाजपा ने किया था भूमि पूजन, अब किया विधायक लक्ष्मण सिंह ने। प्रदेश में भाजपा की सरकार बदलते ही भूमि पूजन को लेकर, कुमराज में डिग्री कॉलेज को लेकर भाजपा कांग्रेस में सियासी घमासान की शुरुआत। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल जो लक्ष्मण सिंह ने भूमि पूजन किया है फिर से पहले जबकि आपने कर दिया था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 3 अक्टूबर 2018 को मैंने और हम सांसद जी ने, जिला अध्यक्ष और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कुमराज में हमने गर्ल्स कॉलेज का भूमि पूजन किया था। उसको एक साल हो गए। अब पता नहीं झूठी और ओछी राजनीति लक्ष्मण सिंह जी क्यों करना चाहते हैं। अगर उन्होंने गर्ल्स कॉलेज को, अगर कुमराज को अगर सौगात दी है तो बताएं, अगर उनके 10 माह के इस कार्यकाल में अगर हुआ हो तो आप उनके पास लेटर होगा कि राशि स्वीकृत करा के लाए। जबकि 2014 में हमने गर्ल्स कॉलेज की स्थापना करवाई और कॉलेज भी चालू था, हमारे कॉलेज की अध्यक्ष भी बनी हुई है और बिल्डिंग का पैसा 2017 में आया, और क्योंकि 2017 में टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए हम लोगों ने 3 अक्टूबर 2018 को हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया था और कल 2 नवम्बर को उन्होंने फिर से उसका भूमि पूजन किया। ऐसी ये ओछी राजनीति है। इसी तरह से झूठा श्रेय लेना, झूठी वाहवाही करना, क्योंकि हमने 10वीं के स्कूल स्वीकृत कराए थे, देदला, कानाकेड़ी, पीपल हेड़ा और आपके बापचा विक्रम, 10वीं के स्कूलों का हमने भूमि पूजन भी किया था। लोकार्पण करने जब वो गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी जो स्थानीय पहले की जो विधायक थी ममता मीना ने आपको ये सौगात दी 10वीं के स्कूलों की बिल्डिंगों की, उसमें भी जाके कह के आ रहे कि ये मैंने दिया। और इसी तरह से मधुसूदनगढ़ में भी उन्होंने पेयजल योजना का भूमि पूजन किया, उसमें भी मधुसूदनगढ़ वालों को कह रहे हैं कि ये हमने आपको ये पेयजल की सुविधा दी। अगर उन्होंने दी होती तो भैया नगर पंचायत मधुसूदनगढ़ पहले क्यों नहीं बन गई, थाना तहसील मधुसूदनगढ़ पहले क्यों नहीं बन गया। इसी तरह से 110 किलोमीटर की हमारी जो सीसी सड़क है उसमें भी अभी पूरा कुमराज से लेके खटकिया, कुमराज, सानई, मृगवास और बटाउदा होके चाचौड़ा होके बीनागंज तक बन पाई, जबकि बीनागंज से ये पारसना तक बनना लेकिन उसको भी नहीं बनने दे रहे। जो पहले के पूर्व के कार्य है उनको भी पूरा नहीं होने दे रहे। अगर इनके भाई 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, किसानों की अगर वाकई में अगर ये चिंता करते हैं तो 132 केवी का सब स्टेशन वो नहीं बना पाए। ये 5 बार सांसद रहे, इन्होंने भी 132 केवी का सब स्टेशन की कभी आज तक मांग नहीं करी। आज हमने 132 केवी का सब स्टेशन हमारा जामुनिया पठार पे बन के कम्प्लीट होने जा रहा, कल से कहने लग जाएंगे ये हमने दी सौगात, झूठे श्रेय। इसी तरह से भमावत का पुल भी हम लोगों ने कैसे कैसे स्वीकृत करा के भमावत और आपके डोंगर तक हमने सड़क बनवाई, पुल बनवाया, उसका भी काम बहुत समय से इन्होंने बंद करा रखा था, बड़ी मुश्किल से इसका काम वापस चालू हो पाया है, वो भी कहने लग जाएंगे कल से कि ये सौगात भी हमने दी। अगर हमारे इस 5 साल के विधायक के कार्यकाल में, मेरे में और हमारे 15 साल की सरकार में जो काम हुए वो सूची हम दे देते या ये इनके भाई मुख्यमंत्री रहे, ये सांसद रहे और अभी 10 माह के विधायक के कार्यकाल में ये सूची दे दे कि इन्होंने कौन कौन से चाचौड़ा विधानसभा के लिए कार्य स्वीकृत कराया, या तो ये सूची दे दे, हम सूची दे दे हमने जो काम किया वो हमारा इनको कहना होगा। झूठा श्रेय न ले, ऊंची राजनीति न करे, ये मेरा लक्ष्मण सिंह जी से कहना है। और अभी कह रहे हैं कि हम लोग चाचौड़ा को जिला बनाएंगे, बनाए जिला हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन रावगढ़ विधानसभा को उसमें मिलाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। यहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी मेरी ऐसी मांग है कि रावगढ़ को ये शामिल करें। और लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, ये अपना उदार हृदय दिखाए और चाचौड़ा में रावगढ़ को शामिल करे और चाचौड़ा को जिला बनाए तो रावगढ़ विधानसभा 2 विधानसभा का जिला अच्छा लगेगा, इसलिए दोनों विधानसभा को उसमें शामिल करे, ऐसी मेरी मांग है।